हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस प्लेस अगेन। टुडे वी कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 8th, चैप्टर 3rd, टॉपिक द प्रोनाउन। टुडे वी रीड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अ, ईच ऑफ द प्लेयर्स गेट्स अ मेडल। बी, आइदर ऑफ दीज ट्रेंस गोज टू आगरा। सी, नाइदर ऑफ द पेंस इज ब्लू। Each, either, and neither are called distributive pronouns because they are used for persons or things one at a time. As such, they are always singular and take a singular verb. Each denotes every one of a number of persons or things. Each denote करता है everyone, प्रत्येक को, नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स से। ओके, आइदर रिफर्स टू वन और द अदर्स ऑफ टू। आइदर रिफर करता है वन को या अन्य में से टू को। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर और टू। नाइदर मीन्स नाइदर का मतलब होता है ना तो वन ना ही दूसरा। इन फैक्ट इट इज निगेटिव ऑफ आइदर। ये जो नाइदर है वो निगेटिव होता है आइदर का। ओके, नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ, आई लाइक रोहन, रोहन हेल्प्स एवरीबॉडी। वी, सी हैज फाउंड द बुक्स, सी हैड लॉस्ट द बुक। सी, हियर इज द कैमरा यू आर लुकिंग फॉर। वी कैन कंबाइन ईच ऑफ द अबव पेयर्स इंटू वन सेंटेंस। ये जो पेयर दिए गए हैं आपको, इनको क्या करना है, वन सेंटेंस में ऐड करेंगे। एज सोन विलो, देखिए तो फिर ये कैसे देखेंगे। नंबर वन, आई लाइक रोहन हु हेल्प्स एवरीबडी। रोहन, रोहन को क्या हुआ, रोहन को रिमूव हो गया और रोहन की जगह क्या हो गया, हु। आई लाइक रोहन, मैं रोहन को पसंद करता हूँ। हु हेल्प्स एवरीबडी, जो हेल्प करता है किसकी, एवरीबडी की। वी, सी हैज फाउंड द बुक विच सी हैड लॉस्ट। सी हैज फाउंड द बुक, उसे बुक प्राप्त हो चुकी है, विच सी हैड लॉस्ट, जो खो गई थी। सी, हियर इज द कैमरा दैट यू आर लुकिंग फॉर। द वर्ड्स Who, which, and that are called relative pronouns. ये जो words दिए गए हैं ये क्या हैं आपके, relative pronouns हैं। Because each of them refers and relates to some noun going before it. ये क्या करते हैं, noun को refer करते हैं। Okay? Which is called its antecedent, whom and whose are called relative pronouns. जो क्या है, एंटीसीडेंट है, whom, whose को भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस में ही शो करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज रीड। ओके, थैंक यू।